लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण के लिए 116 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में गुजरात और केरल की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। 7 चरणों में सबसे बड़े इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इन 116 सीटों में 2014 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 66 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 27 पर जीत हासिल की थी। बाकी सीटें अन्य विपक्षी दलों और निर्दलियों के खाते में गई थी। इस चरण में गुजरात की सभी 26 और केरल की सभी 20 सीटों के साथ असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 14-14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, गोवा की 2 और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। यूपी में सपा नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार के 4 सदस्यों का भविष्य ईवीएम में कैद होगा। इसके अलावा सपा के आजम खान और फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा भी प्रमुख चेहरों में से एक हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी।